गाइस देखिए इधर में वीडियो बन रहा है इधर तो मैसेज मिल चुका है। ये देखिए ये वाला देखिए कैसे बैठे हुए हैं। सो हे गाइस इट्स मी अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अभिजीत ब्लॉग्स में। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे और आज जो है 1 तारीख है मतलब 2022 का 1 तारीख है मार्च का। आज जो है शिवरात्रि है तो अभी जो है मैं उठा हूँ सुबह सुबह, अभी देर हो गया उठने में। उठने के बाद मतलब नहाया नहीं, ब्रश भी नहीं किया मैंने, तो अभी जो है ब्रश करूँगा और नहाऊँगा। उसके बाद जो है मामा के घर जाएंगे। मामा के घर में जो है शिवलिंग है तो उधर में पूजा करते हैं सब लोग, तो मैं भी नहा के उधर ही जाऊँगा पूजा करने के लिए। तो दुकान जाना है तो फटाक से नहा लेता हूँ, अभी ब्रश भी नहीं किया मैंने। आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, इतना फ्रेश नहीं लग रहा, तो फटाक से अभी नहाऊँगा, ब्रश करूँगा, नहाऊँगा, फिर जो है पूजा करूंगा, फिर कुछ खा के दुकान जाऊंगा। तो ब्लॉग पेंट तक बने रहना और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग देख सकते हैं इधर में पूरा ये सरसों का जैसे फूल फूटा है, ठीक है। तो ये जब ये जो है ये सब सरसों नहीं है, ये साग है, सरसों नहीं है ये सब। तो पूरा अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फूल फूटा है इसमें। और इधर में जो है मधुमक्खियाँ बैठ रही है, इधर आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए ये वाला देखिए कैसे बैठे हुए हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे मतलब घर में एंट्री करते ही ऐसे देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है। तो नहा लेता हूँ उसके बाद बात करते हैं। नहा के रेडी हो चुका हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा फ्रेश हो चुका हूँ। अभी भी बालों में पानी बाकी है तो नहा लिया मैंने। और अभी जो है जाऊँगा इधर से मतलब धूप माचिस वगैरह लेके अभी तो इधर से जाएंगे उधर जलाएंगे। तो चलिए फटाखे ले लेते हैं। पूजा करें तो इसके अंदर ही होना चाहिए, तो इधर ही देख लेते हैं। तो माचिस मिल चुका अभी और इधर भी माचिस है तो इधर से धूप ले लिया। तो ये हम लोग का गुरु है। सो ये सब मैंने ले लिया अभी, और अभी सीधा जो है चलेंगे मामा के घर में। तो सीधा आपको मामा के घर पे मिलता हूँ। अभी रास्ते में जाने के टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करूँगा शायद, नहीं तो बहुत सेकी वीडियो आता है। सो गाइस इधर जो है पूजा करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं छोटा सा शिवलिंग है इधर में, इधर छोटा सा शिवलिंग है और इधर पेड़ के नीचे भी है। तो इधर जो है पूजा करेंगे तो ये सब इधर में रख लेता हूँ इधर में। अभी जो है लोटा निकालना पड़ेगा तो अंदर पूजा घर में है तो उसको लोटा निकाल लेता हूँ। और इधर देखिए घर साफ हो रहा है, पोछा लग रहा है इधर में, तो अंदर से जाके पहले ले लेते हैं लोटा। तो किधर है एरा, तो इधर से ले लेते हैं अभी ये। तो ये पूजा घर है आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस देखिए इधर में वीडियो बन रहा है इधर, तो बाल तो पूरा लंबा हो रहा है इधर उधर मतलब हाँ उधर। तो अभी जो है फूल लाना है, फूल तो फूल नहीं आया मैंने, तो आगे जाके देखूंगा एक दो फूल मिलेगा तो ले लेता हूँ। तो चलिए फूल लेते हैं पहले। तो इधर है फूल, तो इधर से एक फूल ले लेते हैं हम। ये वाला सो गाइस पूजा कंप्लीट हो चुका है और अभी घर जाऊंगा, तो फटाफट से घर जाना पड़ेगा। अभी खाना खा के फिर दुकान भी जाना है। तो पूजा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मतलब आप लोगों ने देखा पूजा कंप्लीट हो गई है। धूप जला दिया, बेलपत्ता ला दिया, पूजा जो है कंप्लीट हो चुका है। और इधर में बजरंगबली का पूजा होता है, इधर में देखिए ये वाला झंडा है ऊपर। और
अभी जो है जाके खाना खाना पड़ेगा और दुकान जाना है। मंदिर धूप लेके आया था तो एक पेट लगा दिया उधर ना। और ये वाला बाइक को देखिए, इसका जो टायर नहीं है कितना हो चुका है, तो इसका जो है पार्ट्स अलग बाइक में लग रहा है इधर से खोल के, और एक 180 है उसमें लग रहा है इसका पार्ट्स। तो आगे जो है टायर है लेकिन पीछे जो है टायर नहीं है। और ये वाला स्कूटी को देखिए, ये खटरा हो चुका है, इसका काम नहीं है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको बनाना है लेकिन इसका सामान नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बना रहे। इसको सीधा घर पे मिलता हूँ, उधर धूप में सीधा घर पे मिलता हूँ। इस मुर्गे को देखिए, इधर में जो है इस पैकेट में बिस्कुट है तो वही खा रहा है वो, इधर देख सकते हैं तो खा रहा है। मैं जो है घर आ चुका हूँ, तो ये सब रखता हूँ और खाना खा के फिर दुकान चलता हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगा। और मालिक अभी शायद फ़ोन कर रहा है, तो फ्लाइट मोड करके रखा मैंने। वीडियो बनाने के टाइम में ऐसे फ़ोन आने से अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जो है मैंने फ़्लाइट मोड कर दिया। तो मालिक सोचेगा स्विच ऑफ कर दिया है, दुकान नहीं आएगा। तो अभी जो है पटाक से खाना खा के दुकान चलता हूँ। मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो चुका मेरा, तो अभी जो है पैसा निकालना पड़ेगा इधर से, कितना है वो तो पता नहीं, देखना पड़ेगा कितना है। तो इधर से पैसा निकालता हूँ अभी, तो ये रहा पैसा, तो इधर है पैसा, 250 रुपये है इसमें। तो अभी जो है जियो का रिचार्ज डलवाना पड़ेगा अभी जाके, 250 का, मतलब कितना का रिचार्ज है बहुत दिन नहीं किया, लगभग हो गया कितना दिन, 10-12 दिन हो गया रिचार्ज नहीं किया मैंने। तो अभी जो है जाके रिचार्ज करना पड़ेगा। और दुकान में जो काम करता है वो भाई आ चुका है, तो देखिए उसको तो आ चुका है, वो बुला रहे हैं। सो खाना पीना हो चुका है मेरा, और अभी जो है मैं दुकान जाऊंगा। फ्लाइट मोड खोल दिया मैंने, तो मालिक फ़ोन कर सकता है अभी भी, कब करेगा वो पता नहीं। तो पटाख से अभी निकलूँगा, दुकान जाऊँगा। और भाई जो है घर पर, अभी तक मेरा बेड उठा नहीं है तो उठाना पड़ेगा बाद में, तो अभी जो है दुकान जाना पड़ेगा। तो आज जो है शिवरात्रि है, तो आप लोगों को पता होगा शिवरात्रि, तो जो जो मतलब भोलेनाथ जी का भक्त है तो वो लोग आज पूजा करेंगे। तो हम लोगों का इधर में जो है शिव सागर में बहुत बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर, तो उधर जो है पूजा होता है। तो 3 दिन उधर में मेला भी लगता है। तो मेरा जो दोस्त है सुदीप, वो कंपनी की तरफ से उधर में टॉयस का दुकान खोला है, तो मुझे बोला था के लिए, तो मेरा तो टाइम भी नहीं है, जाने का कुछ नहीं है, बाइक वगैरह भी नहीं है। और गाड़ी अगर ले मतलब भाड़ा गाड़ी में अगर जाएंगे तो आने के टाइम में बहुत भीड़ हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा शायद, मतलब बहुत भीड़ होता है। अगर मैं जा सकता तो आप लोगों को दिखा सकता था कि कैसा होता है उधर में मेला, मतलब पूजा। आज का जो ब्लॉग है वो मैं शिवरात्रि के लिए ही बनाया। शिवरात्रि में जो है सुबह को उठ के जल्दी करना चाहिए पूजा, तो मैंने जो है लेट कर दी, तो मैं भूल गया था आज शिवरात्रि, तो उठा देर से उठा और नहा के जाके उधर में पूजा करके आ गया। तो अभी जो है दुकान जाना पड़ेगा, दुकान जाऊँगा अभी, और दुकान में जाकर बहुत सारा काम है, तो उधर मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग अगर भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो आज जो है मतलब भोलेनाथ जी को पूजा कीजिए, वो सबकी सुनते हैं। तो अगर ये ब्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कहाँ से देख रहे हो, क्या नहीं, कहाँ से मतलब कहाँ से हो, ठीक है। तो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और देखते रहिए अभिजीत ब्लॉग। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।